हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा रोहिला। ब्रीफ बॉटनी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे रूट और स्टेम की। तो पहले हम देख लेते हैं प्लांट पार्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट में हम बात करें तो टैप रूट, यहाँ पे टर्मिनल रूट है। स्टेम अराइज हो रहा है, स्टेम के बाद क्या है, यहाँ पे हर एक नोड पे क्या है, एक लीफ अराइज हो रखी है। ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और दो नोड के जो बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं इंटर नोड, इसको कहते हैं नोड। ये है आपकी लीफ, लीफ जिससे अटैच होती है स्टेम के साथ उसे कहते हैं पिट्योल। ये आपका फ्लावर है, ये एपिकल बड होती है जो ऊपर की तरफ प्लांट को बढ़ाती है। ये आपकी अनदर एपिकल बड है जो साइड में प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये एक्सिलरी बड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लीफी स्ट्रक्चर जिसे एक्सिलरी बड बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट में ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है लाइक लीफ, बहुत ज़्यादा प्लांट में ये रेड कलर की भी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रूट्स। रूट्स के टाइप होते हैं तीन, टैप रूट, फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस। टैप रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल हम आगे पढ़ेंगे। Larger and grows faster than the branch roots. Smaller roots arise from this. तो ये main root होती है, इससे क्या है बहुत सारी छोटी छोटी smaller root निकलती है। Fibrous, all roots about same size के होते हैं। Adventitious, roots that form on any plant part other than radical. यानी radical के अलावा ये कहीं से भी निकल सकती है plants के। यहाँ पे हम बात करेंगे radical क्या होता है। Inside the seed coat is the embryo. This जैसे baby plant जिसे कहते हैं, the endosperm, nutritive tissue and the cotyledon. यहाँ पे ये जो है ये आपका embryo plant है, इसके चारों तरफ ये जो grey part का आपको दिख रहा है ये nutritive tissue है, endosperm है, और उसके बाहर क्या होता है आपकी ये क्या होती है कोटिलिडन। यहाँ पे भी एक लीफी स्ट्रक्चर होती है कोटिलिडन, जो फर्स्ट लीफ आपको प्लांट की देखने को मिलती है उसे कोटिलिडन कहते हैं। यहाँ पे एक हमने चना दिखाया है, अगर स्प्राउट करते हैं आप इसको तो यहाँ से जो फर्स्ट व्हाइट पार्ट का टेल निकलता है वो ही क्या है रेडिकल होता है, ये ही आगे जाके रूट फॉर्म करता है प्राइमरी रूट। फिर फर्दर क्या है ये आपको दिख रहा होगा, फर्दर क्या है ये रूट नीचे की तरफ जाता है, ये ही आगे क्या है स्टेम बन के ऊपर फिर ऐसे उठता है। ये स्टेम अगर बाहर निकलता है तो ये जो दो हाफ ये जो कोटिलिडन है ये वाला और ये वाला ये यहाँ पे है, ये कोटिलिडन है, ठीक है। ये क्या है रूडिमेंट्री स्टेम एमर्जेस एंड द कोटिलिडन स्टार्ट टू अनफर्ल ऑफन टेकिंग द सीड कोट विद देम एज राइज अबव द सॉइल। यहाँ से एम्ब्रियो से लीफ निकल रही है आपकी और ये कोटिलिडन जब तक इनका काम होता है ये करते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस। जब लीफ जब तक नहीं बनी होती है आफ्टर इनका काम क्या है ख़त्म हो जाता है और ये शेड हो जाती हैं। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है यही क्या कहलाता है रेडिकल। यहाँ पे तीन रूट्स के एग्जाम्पल हैं, ये टैप रूट है मेन रूट और वहाँ से बहुत सारी स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं। एडवेंटिशियस रूट स्टेम से निकल रही है। फाइब्रस रूट एक गुच्छा सा आपको लगता है, क्यों, क्योंकि हर एक रूट का जो साइज़ है वो सेम होता है। तो ये बात हुई रूट की। अब बात करते हैं स्टेम। मेन एक्सिस होता है प्लांट का जहाँ पे लीफ फ्लावर फ्रूट सब रहते हैं। स्टेम हैबिट के बेस पे दो टाइप के हम कह सकते हैं, हर्बेशियस एंड वुडी। अगर इनकी मेन टाइप माने तो एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल की फर्दर सब टाइप्स हैं आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल शेप पे सिलेंड्रिकल एंड एंगुलर होते हैं। सरफेसेस के बेस पे ग्लैब्रस स्टेम एंड हेयरी स्टेम्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बेशियस। हर्बेशियस क्या होते हैं, नॉन वुडी प्लांट, लगभग इनका ग्रीन स्टेम होता है जैसे फ्यूमेरिया इंडिका जिसे परपट बोलते हैं। इसके अलावा आप घर में भी देख सकते हैं जैसे पुदीना है, धान्यक है, धनिया जिसे कहते हैं, इनका क्या है हर्बेशियस स्टेम होता है। सेकंड वुडी स्टेम, ट्रीज एंड श्रब्स इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट ईयर बाय ईयर। साल दर साल क्या है इनकी गर्थ रूट की और स्टेम की बढ़ती रहती है।
बोहिनिया वेरिगेटा कांचनार है, मेलिया एजेडेरेक्टा निम्ब है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट आप अपने चारों तरफ देखेंगे जिनका क्या है, स्टेम जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे उनका स्टेम का गर्थ भी बढ़ता रहेगा। ये वुडी स्टेम होते हैं, तो हर्बेशियस एंड वुडी। सेकंड, एरियल और अंडरग्राउंड मेन ये क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे आपको ये सब मॉर्फोलॉजी में लिखना होता है स्टेम में कि ये इरेक्ट है या वीक है, राइजोम है, अंडरग्राउंड है, कैसा स्टेम है। सो फर्स्ट एरियल की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है जो हवा में रहते हैं, एरियल स्टेम। ये दो टाइप के होते हैं फर्दर, इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम। इरेक्ट क्या होते हैं, ग्रोज अपराइट विदाउट एनी सपोर्ट अबव द सॉयल, बिना किसी सपोर्ट के सॉयल के ऊपर ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सिसबैनिया ग्रैंडीफ्लोरा अगस्त्य का। वीक स्टेम जिन्हें क्या सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, ये इरेक्ट स्ट्रेट नहीं रह सकते। ये फर्दर फोर टाइप के होते हैं, दो सी से नाम है, दो टी से, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर, ट्विनर एंड ट्रेलर। क्या हो गया, क्लाइंबर, क्रीपर, ट्विनर एंड ट्रेलर। यहाँ पे क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर क्लाइंब करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ टेंड्रिल, हुक, स्पाइन, प्रिकल, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एग्जाम्पल पे के बेसिस पे लिया है हमने पान, पाइपर बीटल, एस्पैरागस रेसिमोसस, शतावरी, ये कुकुरबिटेसी फैमिली का ही एक प्लांट है, ग्लोरियोसा सुपरबा जिसे लांगली कहते हैं, ये लीफ से क्या है, लीफ से सपोर्ट के चारों तरफ कॉयल होती है और आगे बढ़ती है। सेकंड है ट्विनर, क्लाइंबिंग बाय ट्विनिंग इट्स बॉडी अराउंड द सपोर्ट, यानी सपोर्ट के चारों तरफ खुद को ही लपेट लेती है, जैसे अपराजिता, क्लाइटोरिया टर्नेशिया, आइपोमिया मेरिट्यूना, यानी क्षीरविदारी। फिर आता है ट्रेलर, ग्रो प्रोस्ट्रेट ऑन सोयल सरफेस विदाउट रूटिंग एट द नोड्स, यानी नोड पे कोई रूट नहीं मिलेगी, इनकी रूट क्या है, पूरा प्लांट पूरे सॉयल पे ऐसे आपको फैला हुआ मिलेगा लेकिन रूट क्या है, एक ही जगह रहती है। एग्जाम्पल पुंडनवा, बोरहेविया डिफ्यूजा जिसे बोलते हैं, शंखपुष्पी, कॉन्वल्वुलस, प्लूरिकॉलिस। ये है वराहिकंद, पुरेरिया, ट्यूबरोसा। तो ये सब क्या है आपके, इनका रूट क्या है, नोड्स पे नहीं होता, एक ही जगह इनकी रूट रहती है। फोर्थ है क्रीपर, क्रीप ऑन द ग्राउंड बाय वेरियस मीन बट रूटिंग एट नोड्स, इनके नोड्स पे, हर एक नोड पे क्या है, रूट मिलेगी। इन्हें फर्दर डिवीज़न हम कह सकते हैं रनर, स्टॉलन, ऑफसेट और सक्कर नाम से, लेकिन हमें फर्दर डिवीज़न इतना डीप नहीं जाना है। तो चांगेरी यहाँ पे लिया है हमने, ऑक्सलिस कॉर्निकुलाटा, हर एक नोड पे देखिए, प्लांट की हर एक नोड पे एक रूट आपको देखने को मिल सकती है। मोमोडिया चरेंसिया, करेला, ये भी क्रीपर हैं, करेला भी। सेंटेला एशियाटिका, ये बहुत देखा होगा आपने, आयुर्वेद में बहुत यूज़ होता है, मंडुकपर्णी, ये भी क्रीपर है। तो फोर टाइप्स हमने वीक स्टेम की पढ़ी हैं अभी तक। तो एरियल स्टेम यहाँ ख़त्म होता है, स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम फर्दर फोर टाइप का होता है, अंडरग्राउंड नाम से ही पता चल रहा है कि सॉइल के अंडर जो रहता है। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉम। राइजोम हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड, स्केली लीव्स एट द नोड। नोड और इंटरनोड क्या है, इसके स्टेम में मिलेगी, जो इसको रूट से अलग करती है। एग्जाम्पल मोस्ट इसका एग्जाम्पल दिया जाता है आलू, पोटैटो। इसके अलावा जैसे जिंजिबर ऑफिसिनल है, अदरक, हरिद्रा, कुरकुमा लौंगा, हल्दी जिसे कहते हैं। ट्यूबर, ट्यूबर क्या होता है, इनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विद बर्ड्स ऑन द साइड्स, बर्ड्स होती हैं साइड्स में। नागर मोथा इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, सिप्रस रोटुंडस। श्वेत मूसली, क्लोरोफाइटम, बोरीविलियनम इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है बल्ब, बल्ब कंपोज्ड फ्रॉम फ्लैशी एंड इनलार्ज्ड लीफ बेसिस, ये लीफ बेसिस ही होते हैं जो इनलार्ज करके एक बल्ब की शेप लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका लहसुन और प्याज, एलियम सेटाइवम एंड एलियम सेपा। कॉर्म शॉर्ट थिकंड अंडरग्राउंड स्टेम अपराइट इन पोजिशन इन विच फूड इज स्टोर, तो इसमें फूड क्या है, स्टोर रहता है। अमोर्फोफुलस कंपेनुलेटस सूरन होता है एंड क्रोकस सेटाइवस
केसर, तो ये क्या है, कॉर्म है, इनके रूट में मिलते हैं। एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल शेप के बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड एंगुलर। सिलेंड्रिकल सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंड एंगुलर लेटरल एंगल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पे हमने दिखाया है अर्क, अर्क का स्टेम, ये देखिए रेड सर्कल में है। अगर इसका टीएस लेंगे है तो वो ऐसा सर्कुलर हमें मिलेगा, तो इसे सिलेंड्रिकल स्टेम कह सकते हैं। एंगुलर में लेटरल एंगल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम देखें यहाँ पे काल मेघ लिया है, एंडोग्राफी स्पेनिकुलेटा, यहाँ सीजर स्क्वाड्रेंगुलर इसे हट जोड़, यहाँ पे एंगल्स आपको क्या है बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मंजिस्टा रूबिया कोडिफोलिया, ये स्टेम की सरफेसेस और इसके एंगल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इनका टीएस लेते हैं तो एंगुलर इनका टीएस दिखेगा। फिर सरफेस ग्लैबरस एंड हेयरी, ग्लैबरस इज नॉट हेयरी एंड स्मूथ आपका स्टेम रहेगा, हेयरी कवर्ड विद हेयर्स। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड स्टेम होते हैं जैसे फाइलोक्लेड है एंड क्लेडोड है। फाइलोक्लेड ओपुंचिया इलेटर में देखने को मिलते हैं एंड आपकी कांड स्नूही उसमें देखने को मिलते हैं, क्लेडोड शतावरी में देखने को मिलते हैं। ये मॉडिफाइड स्टेम है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। सो हमने मोस्ट रूट पढ़ी पहले, ठीक है, रूट थ्री टाइप्स की, जिसमें फाइब्रस थी, एडवेंटिशियस थी एंड टैप रूट थी। उसके अलावा स्टेम, स्टेम के टाइप्स, हैबिट के बेस पे हर्बेशियस एंड वुडी, एरियल एंड अंडरग्राउंड, एरियल के फर्दर टाइप, ठीक है, इरेक्ट एंड वीक स्टेम, अंडरग्राउंड के फिर से फोर टाइप, ये हमने पढ़ा। एक्सटर्नल शेप सिलेंड्रिकल एंड एंगुलर, सरफेस में ग्लैबरस एंड हेयरी। सो स्टूडेंट्स थैंक्स अलॉट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू नीड फर्दर